सूरज, नीरज, नथुराम, सूरज, शोभा हैं। फुफीदा की चिट्ठी आ गई लेकिन मेरे नाम की चिट्ठी नहीं आई। ये नथुराम कौन है गजी? कौन नथुराम? जिस दिन नाम की चिट्ठी तुसने अलग की थी है। हाँ? हैं? इस पर तो एड्रेस भी मारा नहीं है, मतलब गलत पते पर गलत चिट्ठी देगा डाकिया। लेकिन इस तरह कैसे कर सकता है वो? इन्ने सालों से साडे मोहल्ले में चिट्ठियां बांट रहा है। वो पुराना डाकिया तो अपनी माँ को लेकर यात्रा पर गया है। ये हिमाकत नए डाकिया की है जो उसकी जगह पर आया है। उल्लू दा पट्ठा, यही कहने वाले थे ना तुसी? हाँ, पर तूने मुझसे छीन लिया। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। वो डाकिया क्या जिसको करेक्ट एड्रेस पता ना हो, मैं उसे नौकरी से निकलवा दूंगा। बेवकूफ गधा खोता। सुबह सुबह किसकी तारीफ हो रही है पापा जी? डाकिया की। ओहो, यानी कि अपने मुंह मियां मिठू। मैं गलत चिट्ठी गलत पते पर कभी नहीं देता, क्योंकि जो पता मैं एक बार देख लूं उसे कभी नहीं भूलता। मुझे मालूम है मेहता मेंशन कहां है, यहां जे नथुराम रहता है। समझ गया पापा जी, सब समझ गया। आपकी नेक्स्ट स्टेप क्या होगी वो भी समझ गया। समझ गया तो निकाल मेरी साइकिल, ये डाकिया खुद नथुराम को चिट्ठी देके आएगा। लेकिन हुन ना तुसी डाकिया हो ना तोड़े कॉल है साइकिल। हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी, बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए गुलाटी मारना नहीं भूलता। तूने मुझे बंदर कहा? द होल थिंग इज दैट पापा जी, इसने नहीं, इसकी फूफी ने। लाइए लाइए, चिट्ठी मुझे दीजिए, मैं जाते वक्त दे दूंगा। और नथुराम का सारा मजाक किरका कर देगा। जो मजा पोस्टमैन के हाथ से चिट्ठी पाने का है वो चपरासी के हाथ से पाने का नहीं। आई एम नॉट चपरासी पापा जी। लेकिन तू पोस्टमैन भी तो नहीं है। मैं हूँ पोस्टमैन, कितना स्मार्ट लगता हूँ पोस्टमैन की वर्दी पहनकर। वो तो आपको पोस्टमैन की वर्दी में देखने के बाद ही पता चलेगा ना पापा जी। तो क्या तुझे दिखाने के लिए पापा जी पोस्टमैन की वर्दी पहनेंगे? क्यों नहीं पहनेंगे, नथुराम की चिट्ठी जो पहुंचानी है मुझे। जा किरण ले आ मेरी वर्दी कड़क स्त्री मार के। बोलो बोलो, चुप क्यों हो? अब हम क्या बोलेंगे पापा जी? कुछ भी बोलो, मेरी तारीफ करने के लिए जो भी लफ्ज तुम्हारे मन में आए बोल दो। जैसे कि हैंडसम, स्मार्ट, सेक्सी, नहीं नहीं सेक्सी नहीं, अट्रैक्टिव। पोस्टमैन, पोस्टमैन। यस यस। ये पता बताएंगे पोस्टमैन? द होल थिंग इज दैट कि ये पोस्टमैन नॉट होइंग, हमारे पापा जी होइंग। तो फिर इन्होंने पोस्टमैन का ड्रेस क्यों पहना है? वो हाँ, क्योंकि ये फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में जा रहे ना पोस्टमैन बनकर। ओह, ही इज लुकिंग सो रियल। मैं अगर जज होती ना तो इन्हें फर्स्ट प्राइज जरूर देती। इफ यू डोंट माइंड, मैं आपको चूम सकता हूँ? क्या आपने इतनी इज्जत बख्शी है वर्दी को? बोलिए कहाँ का पता पूछ रही हैं आप, मुझे सब पते मालूम है। ये मेहता मेंशन। मेहता मेंशन? पापा जी चुप, जब पोस्टमैन किसी को एड्रेस बता रहा हो तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। हाँ तो आपको मेहता मेंशन जाना है। लेकिन पापा जी। ओहो, डोंट कंफ्यूज मी, तुझे मालूम है मेहता मेंशन कहाँ है? जी नहीं, मालूम तो नहीं है लेकिन। मुझे मालूम है, तू ऐसा कर यहाँ से बाहर निकल कर लेफ्ट लेना, चलती जाना, पहला लेफ्ट टर्न छोड़ देना, आगे चलकर राइट टर्न मिलेगा उसमें जाना, चलती जाना, आगे मिलेगा एक पेड़ उस पर चढ़ जाना। पापा जी चुप, पेड़ पर चढ़कर देखना, दूर दिखेगा एक स्कूल, कभी स्कूल गई थी? अब नहीं जाना। स्कूल के साथ एक गली है उसमें घुसना, आगे मिलेगा बस स्टॉप, पहली बस पकड़ना और पहले स्टॉप पर उतर जाना, वहाँ किसी से पूछ लेना मेहता मेंशन कहाँ है। मैके जी, तो अनु भी तो मेहता मेंशन। हाँ हाँ, मैंने पता है और अब इसे भी पता चल गया, मिस नहीं करेगी। मैं तेरे साथ चलता लेकिन मैं बहुत जल्दी में हूँ, अब तू ऐसा कर थैंक यू बोल और जा। थैंक यू। वो आप चूमने की बात कर रहे थे। पापा जी आपको कहाँ जाने की जल्दी है? नथुराम की चिट्ठी देनी है ना, इसलिए जल्दी है। और ये नथुराम रहता कहाँ है? मेहता मेंशन। जहाँ का पता आप उस औरत को समझाएंगे? तो हाय राम, आप तो समझे नहीं पापा जी, लेकिन हम समझ गए। उस औरत को पता समझाने की बजाय उसी के साथ चले जाते। मुझे पता समझाने में मजा आता है। तो फिर वो चिट्ठी उस जनानी को दे देते, वो ही दे आती। इसका मतलब है कि तुम लोग चाहते हो मैं वहाँ नहीं जाऊँ, लेकिन मैं तो जाऊँगा। तुम लोग ही नथुराम को पता ढूंढ रहे हो? जी हाँ, वही नथुराम जो मेहता मेंशन में रहता है। हाँ। चलो मेरे साथ। कोई जरूरत नहीं है, सुनिए आप लोग यहाँ से सेकंड राइट लीजिए, बाद में फर्स्ट राइट, वही मिलेगा आपको मेहता मेंशन। और जब नथुराम से आप लोग मिलेंगे उन्हें ये चिट्ठी दे देना। अरे ये हमारा काम थोड़ी है, ये तो पोस्टमैन देगा चिट्ठी। करेक्ट। लेकिन ये आपका काम भी तो नहीं है पापा जी। देख पुत्र, पोस्ट शॉप से अभी तक मुझे पेंशन मिलती है, क्या हुआ कभी कभार किसी की चिट्ठी पहुंचा दी तो? पोस्टमैन। तू तो मुझे देखकर ऐसे खुश हो रही है जैसे तेरे घर में लड़का पैदा हुआ हो। पूछ किसका पता पूछना? नथुराम का। आप भी उसी का पता पूछेंगे? हाँ हाँ, आपको मालूम है वो कहाँ रहते हैं? हाँ, अब तक तो सबको पता चल गया है, लेकिन बताऊंगा मैं, मुझे बताने में बड़ा मजा आता है। सुन।
सब लोग नथुराम का पता क्यों पूछ रहे हैं? क्या मालूम, ये देखो एक और आया पता पूछने। पता नहीं यार सबको मेहता मैंशन ही क्यों जाना है। The whole thing is that पापा जी अभी तक 10 लोगों को एड्रेस बताई ऑफ नथुराम का। तो बात सुन, तू उल्टा जा रहा है, यहाँ से अबाउट टर्न मार, सीधा इधर जा, राइट घूमना, आगे पतनी गली मिलेगी स्कूल के पास, उसके आगे बस स्टॉप मिलेगा, वहाँ मिलेगा मेहता मैंशन। लेकिन मुझे तो मेहता मैंशन जाना ही नहीं है। नहीं जाना है तो फिर मेरा टाइम को वेस्ट कर रहा है, मुझे औरों को भी बताना है। नेक्स्ट। पापा जी तू ऐसा कर, सीधा यहाँ से निकल ले। मुझे मेहता मैंशन नहीं जाना। क्यों क्यों नहीं जाना, सब वहाँ जा रहे हैं तो ही भी जाना चाहिए। अभी तो मैं पूछ रहा हूँ पापा जी कि सब वहाँ क्यों जा रहे हैं? सब नथुराम को मिलने जा रहे हैं। बट वाई, सब लोग नथुराम से मिलने क्यों जा रहे हैं? यस पापा जी, आखिर ऐसी क्या बात है कि हर किसी को नथुराम के यहाँ जाना है? मैनू तो लगता है सारा शहर ही नथुराम दे कार जा रहा है सिवाय पापा जी के। मींस के पापा जी भी जाएंगे तो चिट्ठी देंगे अपने नथुराम की। लेकिन उन्हें नथुराम का एड्रेस बताने से फुर्सत मिले तब ना। मतलब तुम लोग चाहते हो कि मैं वहाँ जाऊँ और पता लगाऊँ कि सब लोग नथुराम के यहाँ क्यों जा रहे हैं, ठीक है? कुछ पता चला पापा जी, वो नथुराम कौन है? शेष नथुराम का है, शेष नथुराम। पता है सब लोग उनके यहाँ क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आप सबको उनका पता जो बता रहे थे। सब लोग पता क्यों पूछ रहे थे? कोई ब्याह होगा उनके घर। ब्याह से भी बड़ी बात है किरण, तभी तो लोग कतार में खड़े हैं उसे बधाई देने के लिए। बधाई? किस बात की बधाई पापा जी? शेष नथुराम की लॉटरी लगी है 15 करोड़ की, पूरे 15 करोड़। मींस द होल थिंग इज दैट नथुराम को 15 करोड़ की लॉटरी लगी। हाँ, नथुराम एक मामूली दर्जी से रातों रात बन गया करोड़पति, और रातों रात उसके बन गए करोड़ों दोस्त, और रातों रात पैदा हो गए करोड़ों रिश्तेदार, और रातों रात वो मशहूर हो गया करोड़ों मीलों तक। नथुराम हैज बिकम वर्ल्ड फेमस। 15 करोड़ की लॉटरी रोज रोज थोड़े लगती किसी की। कमाल है, हमारे मोहल्ले में इतनी बड़ी बात हो गई और हमें सबसे एंड में पता चला। ये खबर फैली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, जब नथुराम ने उन्हें फोन करके पूछा कि वो अपनी जीत के 15 करोड़ कब लेने आए, और उन्होंने खबर कर दी प्रेस वालों को। खबर पहुंच गई होगी उनके दोस्तों और रिश्तेदारों तक, और खबर फैलते फैलते यहाँ तक आ पहुंची, और लोग मेहता मेंशन वाले नथुराम को ढूंढने लग गए। तब भी हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी, मीठा रखते ही मक्खियाँ भिनभिनाने लगती है। हाँ, मक्खियों की तरह भिनभिना रहे हैं लोग सेठ नथुराम के इर्द गिर्द। कोई उसे हाथ मिला रहा है, हार पहना रहा है, बधाइयां दे रहा है, गुलदस्ते दे रहा है, अखबार और टीवी वाले उसका इंटरव्यू ले रहे हैं, और सेठ नथुराम की सादगी देखो, वो वही पुरानी मशीन चलाते हुए सबको मिल रहा है। लेकिन वो अब मशीन क्यों चला रहा है पापा जी, अब तो वो दर्जी से सेठ बन गया। उसने वादा किया था ना अपने कस्टमर के साथ कि वो उनकी चड्डियाँ सी कर देगा, वादा निभा रहा है वो। यही तो बातें सीखने वाली होती हैं हम बड़े लोगों की। उसने तो ये भी कहा कि वो अपनी मशीन कभी नहीं बेचेगा, संभाल कर रखेगा अपनी असलियत को। जैसे आप ये बात कभी नहीं भूल सकें कि आप भी कभी पोस्टमैन होंगे। और यही याद रखने के लिए आपने अपना ये यूनिफॉर्म अभी तक संभाले रखा है। तेरी बीजी तो देने वाली थी किसी बर्तन वाले को, लेकिन उसने कहा इस साइज का पोस्टमैन ही नहीं मिलेगा। हाँ भाई, मैं क्या जी, ये यूनिफॉर्म तुम्हारी ही नहीं, मेरी भी असलियत है। असलियत थी, अब आप प्लीज ये यूनिफॉर्म उतार दीजिए पापा जी। नहीं, ये यूनिफॉर्म पहनकर मुझे एक और काम करना है, जिससे ये डाकिया भी उतना ही मशहूर हो जाएगा जितना वो दर्जी हुआ है। मतलब आप भी 15 करोड़ वाली लॉटरी खरीदने वाले हैं पापा जी? हैं? तूने कैसे जान ली मेरे दिल की बात? क्योंकि हम सब आपको जानते जो है पापा जी। हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी, बच्चे जो भी नया खिलौना देखते हैं खरीदने की जिद करते हैं। ओए, मैं बच्चा नहीं हूँ। बचपना तो नहीं गया हल्ली। आई नो, जस्ट बिकॉज नथुराम की लॉटरी लग गई, आप ये समझ रहे हैं कि आपकी भी लॉटरी लग जाएगी? हाँ जरूर लगेगी मेरी लॉटरी, देख लेना, मशहूर हो जाऊंगा मैं, सारे शहर में मेरे ही चर्चे होंगे, हर एक जबान पर मेरा नाम होगा, रिटायर्ड पोस्ट मास्टर दविंदर सिंह धनोआ। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। तुम अरबों का हेर फेर करने वाले राम जी, 15 करोड़ की लॉटरी दे दो मेरे भी नाम की। माफ करना, क्यों चेंज हो गई, लेकिन मैसेज तो पहुंच गई ना। पापा जी, अगर भगवान ने आपकी सचमुच सुन ली तो? अगर मगर का सवाल ही पैदा नहीं होता पुत्र, मैंने पता है मेरी लॉटरी जरूर लगेगी। मैंने तो सोच भी लिया है कि लॉटरी लगने के बाद मैंने क्या करना है। तो फिर बताइए ना पापा जी, क्या करेंगे आप 15 करोड़ रुपयों का? ओहो, रुपयों का क्या करना है? मैंने अचार डालना है। खट्टा वाला अचार डालिए पापा जी, हमें खट्टा बहुत पसंद है। वो तो मैं तेरे लिए पूरा घर भर दूंगा खट्टे अचार की भरनियों से। और भी किसी को कुछ चाहिए तो ले लेना, मुझे क्या करना है पैसों से।
पापा जी, अगर आपको पैसों से कुछ नहीं करना तो आप क्यों जीतना चाहते हैं 15 करोड़ की लॉटरी? मशहूर होने के लिए पुत्र। इस दुनिया में हर कोई चाहता है कि वो मशहूर हो, लोग उसे जाने। 15 करोड़ की लॉटरी लगते ही मेरी लाइफ में ये सब कुछ हो जाएगा और ये डाकिया उतना ही मशहूर हो जाएगा जितना मशहूर हुआ है वो दर्जी। जय हो, जय हो। याद है ना भगवान, भूल नहीं जाना। आजकल मैं देख रहा हूँ कि आते जाते भगवान की काफी खुशामद कर रहा है। फॉर 15 करोड़ की लॉटरी जीतने के लिए। 15 करोड़ की लॉटरी मैं ही जीतूंगा। ऑफ कोर्स देख लेना, मैं ही जीतूंगा। हाँ जी मैं सच कह रहा हूँ, मैं ही जीतूंगा। कहाँ कह रहे हैं कि तुम नहीं जीतोगे? हारने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं कह रहा हूँ ना, मैं जीतूंगा, मीन्स मैं जीतूंगा। हम सबको भी यही लगता है पापा जी कि आप ही जीतेंगे। हंसने से क्या होता है, मुझे यकीन है कि मैं ही जीतूंगा। हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी, पापा जी जब किसी को किसी बात का इतना यकीन होता है तो जरूर कोई ना कोई वजह होती है। She's right, पापा जी, वजह तो होनी चाहिए। तुम तो इतने कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि आप ही लॉटरी जीतेंगे। लात मारूंगा। हाँ, तुम्हें डाउट है ना? इधर इधर। हाँ, आपको जाना है पापा जी? मैं सच्ची मारूंगा। इनमें से एक उंगली पकड़। कोई भी? हाँ, कोई भी। अच्छा अच्छा, मींस के एक उंगली होइंग ऑफ हारिंग और दूसरी होइंग ऑफ जीतिंग। ओके। नहीं, मैं जीतूंगा। और अगर आप हार गए तो? तो मैं सारे शहर को आग लगा दूंगा, जिस तरह हनुमान जी ने लंका को लगाई थी। तब तो आप जरूर मशहूर हो जाएंगे पापा जी। आ गया पई आ गया। लॉटरी का रिजल्ट निकलने का दिन आ गया। आ गया पई आ गया। मेरी टिकट नहीं है, कौन ले गया मेरी टिकट? मेरी टिकट चोर ले गया, मैं बर्बाद हो गया, लुटिया गया मैं, लुटिया गया। कंट्रोल योरसेल्फ पापा जी, कंट्रोल योरसेल्फ। टिकट तो मेरे पास है। तेरे पास है? हाँ, और रिजल्ट भी साथ लाया हूँ। तुमने रिजल्ट भी देख लिया? नहीं पापा जी, यही सोचकर तो मैं टिकट साथ ले गया था, लेकिन बाद में सोचा अगर नंबर नहीं निकला तो मैं सारा ब्लेम तुझ पे डाल देता। आप पहले रिजल्ट तो देख लीजिए। वही तो देख रहा हूँ, 5, 6, 4, 8, 9, 2। नंबर तो जाना पहचाना लगता है। 5, 6, 4, 8, 9, 2। 15 करोड़ की विजयी टिकट। इसका मतलब है आपको लॉटरी लग गई पापा जी? नहीं, इसका सीरी ए है और इसका सीरी बी। मतलब आपको लॉटरी नहीं लगी? इसका मतलब तो यही है। मैं क्या जी, जो बेहोश होने वाले हो ना तो बह जाओ। हाँ जी पापा जी, मींस के आपको बाद में कौन उठाएंगे? इसका मतलब है कि मैं मशहूर नहीं हो सकता। पापा जी आप प्लीज 5 मिनट रुक जाइए। क्यों? ताकि हम यहाँ से चले जाएं, उसके बाद आप आग लगाएं। हैं? आग लगाने से मैं जरूर मशहूर हो सकता हूँ। हाय बाबा, तुम सचमुच आग लगाने जा रहे हो शहर में? बैंड वालों को मना करने जा रहा हूँ। अपनी जीत की खुशी में विक्ट्री बैंड वालों को बुलाया था मैंने। मुझे तो खुद पता नहीं कि मैं कहाँ हूँ। पर हमें आप ही ने तो उसका पता बताया था। तो फिर होगा उसी पते पर। वहाँ वो नहीं है। नहीं है तो कहाँ गया वो? वही तो हम आपसे पूछने आए हैं। आपको तो सबका पता मालूम है ना, अब उसका भी पता बता दीजिए। लेकिन हुआ क्या, उसकी फिर लॉटरी लगी 15 करोड़ की? जी नहीं, लॉटरी तो उस दिन भी नहीं लगी थी उस धोखेबाज की। धोखेबाज? हाँ हाँ, धोखेबाज, मक्कार और फरेबी। उसी ने ये झूठी खबर फैलाई थी कि उसकी 15 करोड़ की लॉटरी लगी है और मैं बिना पैसे लिए ही उसके यहाँ कलर टीवी चोराया। अरे मैंने भी तो यही सोचा था यार, कितना बड़ा रईस आदमी है, 15 करोड़ की लॉटरी लगी है तो 20,000 रुपये मेरे दे देगा, लेकिन वो तो मेरा फ्रिज भी लेके चला गया। मैं तो वहाँ जाने ही नहीं वाला था, आपसे पता लेकर मैं भी नथुराम के यहाँ पहुँच गया। सोचा AC लगाकर मुझे भी पब्लिसिटी मिलेगी, इसी बहाने 6 AC लेकर वो गैप हो गया। बहुत बड़ा चालबाज निकला वो तो। और मेरी दुकान से वो गहने ले गया। मैं अपनी बेटी का रिश्ता कराने वाली थी उससे, मेरे से तो कैश ले गया कैश। लेकिन आप लोग पुलिस के पास जाइए, पापा जी क्या कर सकते हैं इसमें? ये पापा जी थोड़ी है, डाकिया है डाकिया। एक ऐसा डाकिया जिसे हर आदमी का पता मालूम है। अरे पुलिस तो पता नहीं कब ढूंढेगी उसे। लेकिन हमारे डाकिया बाबू तो झट से पता लगा लेंगे उस बेईमान का। हुन करो गल डाकिया बाबू, किस तरह पता लगाओगे लापता बंदे दा? कपड़े उतार के। जी हाँ, ये कपड़े उतारूंगा तभी तो डाकिया की ड्रेस पहनूंगा ना, और डाकिया की ड्रेस में तो वो जादू है, उसे पहनते सब पता चल जाता है। जा ले आ मेरे डाकिया की वर्दी। मैं मदद कर रहा हूं। मैं क्या जी, चलो अंदर चलो। ठीक है,
ये तो वो नाथुराम की चिट्ठी है जो आप उसे देना ही भूल गए। Means the whole thing is that पापा जी कि आप नथुराम के वहाँ आ जाएंगे, लॉटरी की खबर सुनेंगे और उसे चिट्ठी नहीं देंगे। चिट्ठी आपकी जेब में ही रह गई। अच्छा हुआ हमने यूनिफॉर्म नहीं धोया, इतना भारी जो है। लेकिन पापा जी पहले आप चिट्ठी तो खोलिए, शायद उसमें से नथुराम को कोई पता मिल जाए। He's right पापा जी, he's right। उसके किसी जान पहचान वाले ने ये चिट्ठी लिखी होगी। हाँ और शायद उसी के थ्रू हमें पता चल जाए कि नथुराम कहाँ है। किसी की चिट्ठी खोलना जुर्म है और ये जुर्म डाकिया नहीं कर सकता, कोई बेवकूफ कर सकता है। ले सूरज तू खोल ले, मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। आपका मतलब मैं बेवकूफ हूँ? इसका फैसला बाद में करेंगे साहब जी, पहले चिट्ठी तो खोलिए। अच्छा। नथुराम काम प्लान के मुताबिक हो जाना चाहिए। लॉटरी लगने का झूठ बोलकर तुम जितना लूट सकते हो लूट लो। ध्यान रहे ये नाटक 10 दिन से ज्यादा नहीं चल सकता है, इसलिए 24 अप्रैल को ही तुम सारा माल लेकर बरसोवा वाले मीनार बंगले पर चले आना, वहीं कर लेंगे बंटवारा, आधा तुम्हारा आधा मेरा, क्योंकि ये आइडिया मेरा जो है, तुम्हारा पार्टनर सीताराम। हे राम, 24 अप्रैल तो आज है, चलो बरसोवा। सीताराम। बोल नथुराम। देख 1 करोड़ है पूरे, 1 करोड़। 15 करोड़ की लॉटरी, 1 करोड़ की कमाई, वाह वाह। लोगों के कपड़े काटने छोड़ उनकी जेबें काट रहा है दर्जी, काटने का इतना ही शौक है तो अब जेल काट अपने पार्टनर के साथ। आपको लॉटरी तो नहीं लगी, लेकिन लॉटरी के चोरों को पकड़वा कर आप फेमस तो जरूर हो गए। हाँ जी पापा जी, हर अखबार में आपकी तस्वीर है, हर एक की जुबान पर आपकी तारीफ है। आज सचमुच पापा जी शहर का हर आदमी आपको जानता है। हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी, डाकिया तो सबके नाम जानता है लेकिन डाकिया का नाम कोई नहीं जानता, लेकिन आज से सब लोग आपका नाम जानते हैं। द होल थिंग इज दैट पापा जी, शहर का हर बच्चा बोलेंगे कि वो बड़ा होए और पोस्टमैन बने। शोभा भी अपने बच्चे को डाकिया बनाए। हर तरह की तारीफ तुम लोग कर दोगे तो किरण बाला क्या बोलेगी मेरी तारीफ में? मैं तो इतना ही बोलूंगी, आई इज प्राउड ऑफ यू।